हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जेल। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर एट्रीब्यूट्स इंक्लूड। तो देखिए एंटरप्रेन्योर एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी फीचर क्या इंक्लूड करता है एंटरप्रेन्योर के, प्रिजर्वेंस, हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिजर्वेंस, हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन ये तीनों ही एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है, फीचर होती है, एट्रीब्यूट होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिजनेस फंक्शन डू एक्सपर्ट्स एग्री यू शुड फोकस ऑन फर्स्ट व्हेन प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हो, प्रिपेयर हो रहे होते हो, तो आपको किस चीज़ पे पहले, कौन से बिजनेस फंक्शन पे पहले फोकस करना चाहिए। ऑप्शन ए फाइनेंसिंग, ऑप्शन बी मार्केटिंग विजन, ऑप्शन सी ऑपरेशन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एवब। तो देखिए फाइनेंसिंग ऑपरेशन तो बात की बात है, लेकिन जब आप बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको सबसे पहले मार्केटिंग विजन पे फोकस करना चाहिए। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इंटेंशन क्या है फ्यूचर के लिए आपके बिजनेस का, मार्केटिंग विजन, तो इस पे जो है आपको फोकस करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन मार्केटिंग विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दैट कैन बी इन्वेस्टेड। यानी कि कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी को रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कि कौन सी चीज़ें जिसको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो कंपनी को, बिजनेस को रन करने के लिए। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी एक्सपर्टीज, ऑप्शन सी मनी या फिर ऑप्शन डी टाइम। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी, मनी और टाइम ये तीनों ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितनी एनर्जी वेस्ट की, कितना मनी पैसा लगाया, कितना टाइम आपने दिया, लेकिन एक्सपर्टीज इसको आप जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक्सपर्टीज कैन नॉट बी इन्वेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है। ऑप्शन ए फॉर न्यू इनोवेशन, ऑप्शन बी टू फिल गैप इन ग्रोथ, ऑप्शन सी फॉर हेल्थी कंपटीशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में न्यू इनोवेशन करने की जरूरत थोड़ी, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर पर्सन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे पूछा कि प्रोसेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप हम इसलिए करते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर को हम डेवलप कर सके, जो गैप है ग्रोथ में उसको हम फिल कर सके। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टू फिल गैप इन ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप का क्या यूज है एंटरप्रेन्योर के लिए, तो टू फिल गैप इन ग्रोथ। जो ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, एंटरप्रेन्योर फेल हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो उस गैप को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस। तो टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको बताना कि कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से क्लासिफिकेशन नहीं है। देखिए एंटरप्रेन्योर को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस के जो क्लासिफाई किया गया है उसके बेसिस पे कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए होलसेल ट्रेड, ऑप्शन बी रिटेल ट्रेड, ऑप्शन सी एक्सपोर्टर या फिर ऑप्शन डी रूरल एंटरप्रेन्योर। तो देखिए एरिया के हिसाब से जब आप डिवाइड करते हो तो वहाँ पे रूरल और अर्बन एंटरप्रेन्योर होता है, लेकिन टाइप ऑफ बिजनेस के बेसिस पे होलसेल, रिटेल, एक्सपोर्टर ये होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रूरल एंटरप्रेन्योर, ये टाइप ऑफ बिजनेस के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी रूरल एंटरप्रेन्योर टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन नहीं है। बाकी होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, एक्सपोर्टर ये तीनों ही जो है टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर के ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड एज। तो आपको बताना है कि जेंडर और एज के बेसिस पे नीचे दिए क्लासिफिकेशन में कौन सा क्लासिफिकेशन है। ऑप्शन ए मैन एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन बी वुमेन एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन सी यंग एंटरप्रेन्योर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मैन, वुमेन, जेंडर हो गया, यंग एंटरप्रेन्योर एज के बेसिस पे हो गया, तो ये तीनों ही क्या है, जेंडर और एज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है एंटरप्रेन्योर के। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर की इंडिया में क्या है। पहला है ऑप्शन ए लैक ऑफ एजुकेशन स्किल, देन है ऑप्शन बी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ लिसन बियरिंग कैपेसिटी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए लैक ऑफ एजुकेशन स्किल वुमेन एंटरप्रेन्योर के केस में ही आता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी है, एब्सेंस ऑफ लिसन बियरिंग कैपेसिटी भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, बेसिक प्रॉब्लम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर आर। तो आपको नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है। ऑप्शन ए इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन बी इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन सी ड्रोन एंटरप्रेन्योर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए तीनों ही क्या है, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटिव, इनिशिएटिव, ड्रोन, ये तीनों ही टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है द की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मोबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर आर। तो इन
जो फैक्टर्स हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो मोबिलिटी एंटरप्रेन्योर की मोबिलिटी को मूवमेंट को जो है अफेक्ट करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए रिसोर्सेज, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी लैंग्वेज एंड कल्चर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट, तो एंटरप्रेन्योर की मूवमेंट को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बट ऑफ जो होते हैं रिसोर्स भी, एक्सपीरियंस भी, एजुकेशन भी और लैंग्वेज और कल्चर, तीनों ही जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं, की फैक्टर हैं मोबिलिटी की एंटरप्रेन्योर की। तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन टू सेटअप ए नेटवर्क ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन इन दी कंट्री। तो आपको बताना है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन सेटअप करने के लिए बनाया गया है, नेटवर्क को बनाने के लिए सेटअप किया गया है। ऑप्शन ए TCO, ऑप्शन बी ITC, ऑप्शन सी EGB, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन, तो यहाँ पे नाम में ही है TCO, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन, क्रिएटेड फॉर फैसिलिटेटिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में जो टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी होती है उसके लिए जो है TCO डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए TCO। एन एंटरप्रेन्योर रिफर्स टू, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि एंटरप्रेन्योर किसको रिफर करता है। ऑप्शन ए इनिशिएटर, ऑप्शन बी मोटिवेटर, ऑप्शन सी विजुलाइजर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एंटरप्रेन्योर इनिशिएटर भी होता है, मोटिवेटर भी होता है और विजुलाइजर भी होता है, भविष्य को फ्यूचर को भी विजुलाइज करता है। यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरशिप। नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा फैक्टर जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करता है, टेक्निकल नॉलेज, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग, लोकल मैन पावर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों ही फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, टेक्निकल नॉलेज, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग और लोकल मैन पावर। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो नीचे दिए ऑप्शन में बताना है कौन सा क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर का। ऑप्शन ए इनिशिएटर है, ऑप्शन बी इन्फॉर्मेशन सीकर है, ऑप्शन सी मोटिवेटर है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए इनिशिएटर, इन्फॉर्मेशन सीकर और मोटिवेटर, ये तीनों ही क्वालिटी होती है किसकी, एंटरप्रेन्योर की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी SSI ऑल्सो नॉन एज MSME आर डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड बाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट। तो जो SSI या फिर MSME कहते हो आप, वो डिफाइंड किया गया, उसको कैटेगराइज किया गया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में। तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है, MSME एक्ट 2006, 2007, 2008, 2009। तो एक्ट कब आया था, देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट जो है वो 2006 में आया था, जहां पे हम MSME को डिफाइन करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। तो याद रहे कि इस चीज में एक चीज और याद रहेगी, अगर 1 जुलाई 2020 से नया कैटेगराइजेशन आया है, तो पहले जो है पुराना कैटेगराइजेशन था जो 30 जून 2020 तक एप्लीकेबल था, फिर 1 जुलाई 2020 से नया कैटेगराइजेशन अला हुआ है। तो यहां पे आपसे पूछा था कि MSME एक्ट यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट कब आया था, तो 2006 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहां पे जो ऑप्शन है, अभी करंटली 2021 में चेंज हो गए हैं, करंटली 2021 में श्री नारायण तत्तू राणे हैं। तो ये श्री नारायण तत्तू राणे जी हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, वो जो है करंटली प्रेजेंट मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज सेट अप फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आपको बताना है कि उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है कि जो कि सेटअप किया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। तो ऑप्शन ए NSIC, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी SIDBI, या फिर ऑप्शन डी NCEUS। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूशन व्हिच इज सेटअप एज एन एपेक्स बैंक टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर डिफरेंट स्कीम। तो आपको बताना है कि उस बैंक का नाम, उस इंस्टीट्यूशन का नाम जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है डिफरेंट स्कीम के तहत पहुंचाता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए SIDBI, ऑप्शन बी NSIC, ऑप्शन सी RSBDC, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए SIDBI आप सभी ने सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है डायरेक्ट एंड डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है डिफरेंट स्कीम के थ्रू पहुँचाता है कंपनीज को, एंटरप्रेन्योर्स को। तो SIDBI ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट सर्विस सेक्टर इन माइक्रो स्केल इंडस्ट्री शुड बी। तो देखिए यहाँ पे जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात किए गए कि सर्विस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितना होता है, तो माइक्रो में आएगा, स्मॉल में आएगा, मीडियम में आएगा। तो वो क्लासिफिकेशन चेंज हो चुका है, नई क्लासिफिकेशन के ऊपर हमने वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पे या कितना टर्नओवर होने पे आपका जो है माइक्रो में आएंगे या फिर स्मॉल में आएंगे या फिर मीडियम में आएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है वहां से देख लेना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे इस पे नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो पुराना क्वेश्चन, पुराने बेसिस पे क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और नया क्लासिफिकेशन जो है
रिलीज हुआ है 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको याद करिएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए स्पेशलाइज्ड फर्म दैट फाइनेंस यंग स्टार्टअप कंपनीज। तो नीचे देखिए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा वो स्पेशलाइज्ड फर्म है जो कि यंग स्टार्टअप कंपनीज को फाइनेंस करता है। ऑप्शन है वेंचर कैपिटल फर्म, फाइनेंस कंपनी, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनी या फिर कैपिटल क्रिएशन कंपनी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन है वेंचर कैपिटल फर्म। सभी ने सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटल फर्म जो है वो स्पेशलाइज्ड फर्म होता है जो कि फाइनेंस करता है यंग और स्टार्टअप कंपनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचर कैपिटल फर्म्स आर यूजली ऑर्गेनाइज्ड एज। तो जो वेंचर कैपिटल फर्म होते हैं वो यूजली कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कॉर्पोरेशन के तौर पर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड के तौर पर या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप के तौर पर। तो जो वेंचर कैपिटल फर्म होते हैं वो यूजली लिमिटेड पार्टनरशिप की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग हैज। अब आपको बताना है कि जो सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग होती थी वो कहाँ शिफ्ट हुई है। ऑप्शन है शिफ्टेड फ्रॉम वेल्दी इंडिविजुअल्स टू पेंशन फंड्स एंड कॉर्पोरेशन, शिफ्टेड फ्रॉम पेंशन फंड एंड कॉर्पोरेशन टू वेल्दी इंडिविजुअल, या फिर डिक्रीज्ड सिंस 1990, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए वेंचर कैपिटलिंग फंडिंग जो है, अब जो सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटलिंग फंडिंग है वो जो है शिफ्ट हो चुका है, कहाँ से, वेल्दी इंडिविजुअल से पेंशन फंड एंड कॉर्पोरेशन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब जो है पेंशन फंड और कॉर्पोरेशन से भी जो है वेंचर कैपिटल फंडिंग की जा रही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म। तो वेंचर कैपिटल फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। ऑप्शन ए फंडिंग जस्ट वन और स्मॉल नंबर ऑफ फर्म, ऑप्शन बी होल्डिंग इक्विटी इन फर्म्स दैट आर फंडेड, हैविंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, या फिर ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड असिस्टेंट टू द फर्म दैट आर फंडेड। तो देखिए वेंचर कैपिटल फंड में इक्विटी होल्ड करता है जिसमें आपने फंड इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होता है, और एडवाइस और असिस्टेंट भी देता है जिस फर्म में इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन फंडिंग जस्ट वन और स्मॉल नंबर ऑफ फर्म, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वेंचर कैपिटल फर्म्स का। तो ऑप्शन ए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेंचर कैपिटल फर्म्स के। क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज सेटअप इन 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि 1982 में सेटअप हुआ था टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। देखिए NSIC, नाबार्ड, SIDBI, NCEUS। तो यहाँ पे सभी को पता होगा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनेंस कंपनीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कंपनीज क्या है। ऑप्शन ए आर मनी मार्केट इंटरमीडियरीज, ऑप्शन बी बोरो इन लार्ज अमाउंट बट लेंड इन स्मॉल अमाउंट, ऑप्शन सी आर वर्चुअली अनरेगुलेटेड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फाइनेंस कंपनी की तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये मनी मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं, लार्ज अमाउंट में बोरो करते हैं और उधार जो है स्मॉल अमाउंट में देते हैं, वर्चुअली अनरेगुलेटेड होते हैं। तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फाइनेंस कंपनीज की। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।